hello students welcome to concept classes today we are going to discuss class 10th political science second chapter we had already completed our first chapter in first chapter we had done uh, how to our constitution work how to our constitution develop these all are completed now today we are going to discuss the electoral process means कि हमारे देश में इलेक्शन प्रोसेस कैसा है इलेक्शन कैसे होता है इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता है कौन पावरफुल होता है जब इलेक्शन कंडक्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट में तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर कहीं सपोज करो इलेक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे तो वो अपना पावर खो चुके होते हैं इसलिए तो, इले तो इलेक्शन होता है ना कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा तो जब कोई नहीं होता प्राइम मिनिस्टर तो उस टाइम पे पावरफुल कौन होता है ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर इलेक्शन हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन डेमोक्रेसी सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र सो बोल क्या रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इंडिया की डेमोक्रेसी को वर्क करने के लिए ओके okay? वी नो द पीपल रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड थ्रू द इलेक्शन इलेक्शन हेल्प टू ब्रिंग अ चेंजेस इन पावर थ्रू अ पीसफुल मीन सो बोल रहा है कि इलेक्शन के द्वारा हम लोग पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो पीपल का क्या करता है रिप्रेजेंटेशन करता है एज अ गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक तरह से प्रतिनिधि होता है और इलेक्शन क्या करता है ये पावर को चेंज करने का एक शांतिपूर्वक एक साधन है पीसफुल साधन है कि मतलब जो पहला प्राइम मिनिस्टर था अब उसने अच्छा काम नहीं किया तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हैं एज ए इलेक्शन इलेक्शन के थ्रू नेक्स्ट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल सो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो रूल कर सकती है वो इलेक्शन जीते और वो रूल करे पॉलिसीज ऑफ़ द गवर्नमेंट एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंज अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो रिप्रेजेंटेटिव चेंज होगा और रिप्रेजेंटेटिव चेंज होगा तो हमारी सोसाइटी और सोसाइटी की लाइफ भी चेंज होगी वी एक्सेप्ट दैट द रिप्रेजेंटेटिव वी इलेक्टेड शुड बी इफिशियंट हॉनेस्ट एंड ट्रस्टवर थी सो हमें ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुनना है जो इफिशियंट हो इफिशियंट मतलब काम करने में अच्छा हो कुशल हो हॉनेस्ट मतलब सच्चा हो एंड ट्रस्टवर्थी मतलब भरोसेमंद हो दैट दे शुड रिस्पेक्ट द रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द पीपल और ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो पीपल की बातों को सुने और उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा करे द इलेक्ट्रल प्रोसेस शुड ऑल्सो बी फ्री फेयर एंड रिलेबल सो जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी फ्री फेयर एंड रिलेबल होना चाहिए फ्री मतलब निशुल्क फेयर मतलब निष्पक्ष मतलब जो सही है वही होना चाहिए एंड रिलेबल मतलब विश्वसनीय टू इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड अ प्रोविजन फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन टू द एडमिनि टेटर द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया सो इलेक्शन जो है वो फ्री हो फेयर हो रिलेबल हो इसके लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंस बॉडी बनाया है कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगी वो खुद से काम करेगी ठीक है और इलेक्शन कमीशन जो होता है उसमें तीन लोग वर्क करते हैं बाकी का जो पावर होता है वो सब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉज़ होते हैं उनसे लिया जाता है क्योंकि उन्हें हमेशा तो ज़रूरत पड़ती नहीं है जब इलेक्शन होता है तभी ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट टीचर्स हुए पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हुए इन सारे लोगों को क्या किया जाता है इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी लगाया जाता है और बदले में उनको एक दिन दो दिन जितने दिन की ड्यूटी रहती है उस हिसाब से उन्हें पे किया जाता है सो वैसे देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन में ओनली तीन लोग परमानेंट वर्क करते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो उसके डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं सो प्रेजेंट टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है सुशील चंद्रा उनका फ़ोटो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा और दो डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एक का नाम है राजीव कुमार और दूसरे का नाम है उमेश सिन्हा ये दोनों जन का भी फ़ोटो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा यही तीन लोग जो है इलेक्शन कमिश्नर के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं बाकी के जितने पावर होती हैं इलेक्शन कमीशन के जितने एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो सब बाहर से लाए जाते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है तब नेक्स्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्टेड ऑल इम्पोर्टेंट इलेक्शन इन अवर कंट्री सो देखिए इलेक्शन कमीशन दो प्रकार का है एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कराता है सो दिस इलेक्शन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन एक स्टेट में एक ही होता है मींस अगर 29 स्टेट है तो इस हिसाब से 29 इलेक्शन कमीशन होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है किसी किसी स्टेट में इलेक्शन कमीशन नहीं है तो वो बाजू वाले इलेक्शन कमीशन जो है वो वहाँ का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं ऐसा होता है सो फॉर एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र का इलेक्शन कमीशन है तो उसको बोलेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन तो वो क्या करेगा चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कराएगा मुंसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन कराएगा और पंचायत का इलेक्शन कराया गया दिस इलेक्शन वॉज कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्टेड बाय लोकसभा इलेक्शन राज्यसभा इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन दिस इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सो देर आर टू इलेक्शन कमीशन वन इज इन सेंट्रल लेवल एंड अनदर इज स्टेट लेवल ओके So, द इंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेयर ऑफ द रिजल्ट एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन होता है इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन का, का काम क्या होता है कि इलेक्शन का डेट डिक्लेयर करने से लेकर इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करने का सारा का सारा, का सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है इलेक्शन कमीशन के ही हाथ में होता है द इलेक्शन कमी इलेक्शन प्रोसेस इज़ एन इंस्पेरेबल कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव डिप्लोमेटिक प्रोसेस इंस्परेबल का मतलब क्या होता है रिसर्च करना इंस्पेरेबल मतलब रिसर्च करना सो so, बोल रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस का काम भी होता है कि सारा प्रोसेस प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं सारे काम प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं इलेक्शन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं उलट फेर भी करते हैं तो वो सारी चीज़ों को देखना भी किसका काम होता है इलेक्शन कमीशन का होता है इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन सो बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा है उसका फंक्शन क्या है उसका रोल क्या है वी विल ऑल्सो डिस्कस द रिफॉर्म रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द इलेक्शन प्रोसेस साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं और इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से डिजाइन हुआ है सो so, सबसे पहले डू यू नो पढ़ लेते हैं वॉट इज रिप्रेजेंटेशन सो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सो डी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब मैंने बताया कि ऐसा आदमी जो जनता का क्या करता हो गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंटेशन करता हो उसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं जनता की बातों को कहाँ पहुँचाता हो गवर्नमेंट तक पहुँचाता हो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इन्वॉल्व द इंटायर पॉपुलेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी जनता जो है पूरे के पूरे पॉपुलेशन जो है वो क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके दिस रिजल्ट इज द स्टार्टिंग ऑफ द पार्टिसिपेट टू द इलेक्शन सम पीपल ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन एज़ रिप्रजेंटेटिव सो बोल रहा है कि इसीलिए इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया गया इलेक्शन स्टार्ट किया कुछ पीपल्स क्या करें पॉपुलेशन के बिहाफ पर पॉपुलेशन की तरफ से क्या करें गवर्नमेंट के सामने उनका रिप्रेजेंटेशन करें हु वुड रन द गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड गिव ग्रीफर टू द वेलफेयर ऑफ़ द पीपल सो रिप्रेजेंटेटिव वही होता है जो गवर्नमेंट के सामने जनता की बातों को पहुंचाए और साथ ही साथ वो हमेशा पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम करे वेलफेयर मीन्स कल्याण के लिए ओके नाउ नेक्स्ट डू यू नो सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस तो जैसे मैंने अभी बताया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा हैं उसी तरह से जो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे उनका नाम था सुकुमार सेन देखिए इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा इलेक्शन कमीशन क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ तो लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्शन कैसे होता है वोट कैसे दिया जाता है और हमारे देश की आधी से लगभग एट्टी परसेंट पॉपुलेशन जो थी वो एक तरह से देखा जाए तो अनएजुकेटेड थी तो उन्हें पता नहीं था कि इलेक्शन कैसे दिया जाता था तो इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि इलेक्शन कैसे किया जाए सो so, इन लोगों ने तरह तरह की टेक्निक यूज़ की जैसे जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था तो उनको बताया गया लोगो दिया गया जैसे आज जो है चुनाव चिन्ह जिसे बोलते हैं सो so, उस तरह का चिन्ह दिया गया कि भाई आपको अगर इनको वोट देना है तो आपको इस चिन्ह पर वोट देना है इस तरह से इन्होंने तरह तरह की टेक्निक का यूज़ किया और इलेक्शन को प्रोसेस किया In 1921 ट्वेंटी वन सीन वॉज द सेलेक्टेड फ्राम द इंडियन सिविल सर्विस अंडर द ब्रिटिश रूल सोचिए नाइनटीन ट्वेंटी में जो आज का यू एग्ज़ाम होता है जैसे आई एस का जो एग्ज़ाम होता है वो अंडर द ब्रिटिश रूल में होता था सो so, उसमें ये सेलेक्ट हुए थे 1921 में बिफोर इंडिपेंडेंस he was given the charges of the election commission after the election commission was established in 1950 so 1921 mein to ye civil service mein job kar rahe the ek tarah se ias ips ki post par the civil service ka matlab yahi hota hai ias ips ye sari pcs ye sari cheeze civil services mein aati hai lekin after the independence, Election Commission जब फॉर्म हुआ 1950 में so इन्हें Chief Election Commission बनाया गया मिस्टर सेन इफिसटली हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन सो बता रहा है कि मिस्टर सुकुमार कुमार सोन ने बहुत अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत ही एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन में थी ऐसी कंडीशन थी जहां पर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था इन्हें नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज सेंटर टू प्रोसेस To election. Art Article 324 of the Indian Constitution has established its autonomous body, which consists of one chief election commissioner and two other. कमिश्नर्स सो so, बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है और ये आर्टिकल 324 में लिखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और उसी में ये भी बताया गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन में काम कमीशन में दो लोग काम करेंगे मीन्स तीन लोग होंगे एक तरह से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होगा और दो डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो वो तीनों जन का फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा और इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया ये तीनों के तीनों जन अभी प्रेजेंट में जो फर्स्ट में है वो आपको वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बाकी के जो दोनों हैं वो डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एट अ प्रजेंट नाउ नेक्स्ट

तो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करना पड़ता हो पड़ता है कि सपोज करो कि अगर 90 मेंबर है तो उसमें से 60 मेंबर एग्री होने चाहिए कि हाँ ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए सो so फिर क्या होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद से इस्तीफा देना पड़ता है दिस इज़ नेसेसरी सो एंड टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ अ इलेक्शन कमीशन सो और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि uh, आजकल आप देख ही रहे हो कि बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने फ़ायदे के लिए अगर वो इलेक्शन कमिश्नर उसके लिए वर्क नहीं करेगा तो उसे क्या करेंगे हटा सकते हैं इसीलिए ये सारी चीज़ों को सोच कर क्या किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसीजन लिया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेगा बट उसे हटा कोई भी नहीं सकता है देयर इज़ अ सेपरेट प्रोविज़न मेड फ्रॉम द एक्सपेंस ऑफ अ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए एक अलग प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ सो ये भी मैं आपको बता चुक, चुका हूँ कि इलेक्शन कमीश्नर जो है उसका कोई भी सेपरेट स्टाफ नहीं होता गवर्नमेंट ऑफिसर्स टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सो देखो गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिसर्स जो होते हैं टीचर्स होते हैं और अदर भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे के सारे इलेक्शन की ड्यूटी करते हैं जब इलेक्शन होता है तब उसके बाद उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं होती है इसलिए इनके पास कोई भी सेपरेट स्टाफ नहीं होता ये तीन लोग ही होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जब इलेक्शन होता है तो जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं टीचर्स होते हैं और अदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉज होते हैं उन सबकी ड्यूटी लगाई जाती है कहाँ पर इलेक्शन में ना डू यू नो स्पेशल कैम्पेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द वोटर्स इज रन फ्रॉम अ वोटर रजिस्ट्रेशन द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड फॉर द पर्पज तो बोल रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि जगह जगह पर वोट देने के लिए इलेक्शन कैंपेन भी लगाया जाता है कि आइए और आप अगर अबाव एटीन है तो आप वोट दीजिए वोट आपका राइट्स है अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे एक तरह से कंट्री के डेवलपमेंट में सो so, इसलिए वोट देना बहुत जरूरी है इसलिए अवेयरनेस लाने के लिए तरह तरह नेशनल लेवल पर क्या होता है वोटर्स डे मनाया जाता है जैसे भारत का जो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है ओके okay? 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन सो सब चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इसका काम क्या होता है सो सबसे पहला काम है प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट एवरी इंडियन सिटीजन हु हैव कंप्लीटेड द 18 ईयर ऑफ एज हैज अ राइट्स टू वोट एक्सरसाइज द राइट टू Vote. citizens name must be in the voter list it is the responsibility of the election commission to preparing the list of eligible voters update the existing voters list and including the name of the new voters the election commission has the authority to issue the identity card to the voter so they बोल रहे कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो भी 18 के ऊपर है उसको वोट देने के राइट्स है तो उसका नाम जो है क्या करना वोटर लिस्ट में ऐड करना और इलेक्शन कमीशन का ही काम है वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना साथ ही इलेक्शन कमीशन का ही काम है न्यू वोटर्स को इंक्लूड करना और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का ही काम है वोटर्स को आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना जिसे हम बोलते हैं वोटिंग कार्ड ओके, वोटिंग कार्ड भी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा इस तरह से वोटिंग कार्ड आपको दिया जाता है अगर आप अब एटीन होंगे और आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो नेक्स्ट Why इज इट रिक्वायर्ड क्यों जरूरी है ये देखिए have कैंडिडेट the कंडीशन ऑफ एज एंड एलिजिबिलिटी why शुड दे गिव अदर इंफॉर्मेशन टू द इलेक्शन कमीशन सो देखिए क्या बोल रहा है कि जो कैंडिडेट है अगर वो चुनाव में खड़े होने के लिए उसकी आयु सीमा की कुछ कंडीशंस होती है मतलब आयु की कुछ लिमिट होती है एज की कुछ लिमिट होती है फिर भी उसे क्या करना पड़ता है सारी की सारी जानकारी क्या किसको देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है ऐसा क्यों करना पड़ता है सो ऐसा क्यों करना पड़ता है अभी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाई आर द कैंडिडेट रिक्वायर टू द गिवेन इंफॉर्मेशन दे आर प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्शन कमीशन अगर कोई इलेक्शन में खड़ा है कोई कैंडिडेट तो उसे क्यों अपने प्रॉपर्टीज का सारा इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है ये क्यों करना पड़ता है ये भी हम लोग आगे जानेंगे लेकिन मैं अभी कुछ बता देता हूँ थोड़ा बहुत आपको क्योंकि सम सपोज़ करो कि आज जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन एक साल के बाद सपोज़ करो उसके पास पाँच से दस करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई या दो सौ करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई तो इतना जल्दी वो कैसे ग्रो कर लिया सो ये सारी चीज़ें को डिसीजन करने के लिए इन सारी चीज़ों की छानबीन करने के लिए सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं कभी कभी होता है बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता लेकिन वो अगर एक बार पॉलिटिशियंस बन जाते हैं तो उनके पास एक या दो साल के बाद ही दो सौ चार सौ करोड़ की प्रॉपर्टीज हो जाती है वो कैसे बन जाती है इतना जल्दी कैसे वो ग्रो कर लेते हैं तो उन सारी चीज़ों का छानबीन करना ही क्या होता है इलेक्शन कमीशन का काम होता है इसीलिए इलेक्शन कमीशन इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखता है नेक्स्ट डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इज़ इंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन द इलेक्शन कमीशन डिसाइड वेन टू कंडक्ट इलेक्शन एंड इन हाउ मैनी स्टेज टू होल्ड इलेक्शन इन एवरी स्टेट सो देखिए इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि टाइम टेबल को मैंटेन करना कि कब इलेक्शन होगा और सपोज करो कि आ, उत्तर प्रदेश है वहाँ पर लोकसभा की टोटल एट्टी सीट्स है सो एट्टी सीट्स से तो मतलब एक ही दिन में एट्टी सीट्स का इलेक्शन नहीं हो जाएगा ठीक है सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लेवल्स में इलेक्शन कराना पड़ेगा कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट का अलग इलेक्शन अलग दिन पे इलेक्शन होगा कुछ डिस्ट्रिक्ट का अलग दिन पे इलेक्शन होगा कुछ डिस्ट्रिक्ट पे अलग दिन का इलेक्शन होगा सो so, उसको क्या बोलते हैं लेवल बोलते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चरण जैसे उत्तर प्रदेश में मोस्टली सात चरण में इलेक्शन होता है जैसे अभी बंगाल का इलेक्शन हो रहा है तो टोटल चार चरण में इलेक्शन होता है सो ये लेवल होता है तो ये सारा डिसीजन कौन लेता है इलेक्शन कमीशन ही लेता है कि कौन से स्टेट में कितने बार में इलेक्शन कंप्लीट होगा ना स्क्रूटनीटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट स्क्रूटिनी मतलब छानबीन करना होता है ठीक है आफ्टर द इलेक्शन डेट आर डिक्लेयर एवरी पोलिटिकल पार्टी सेलेक्टेड द कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन सम कैंडिडेट कंटेस्ट द इलेक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी पोलिटिकल पार्टीज तो बोल कह रहा है कि जब इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो जाता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में स्टैंड होते हैं कंटेस्टेंट बन के खड़े होते हैं आ, कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो किसी ना किसी पार्टी के सपोर्ट से आते हैं जैसे कोई बीजेपी की तरफ से खड़ा होता है कोई कांग्रेस की तरफ से खड़ा होता है कोई एनसीपी की तरफ से खड़ा होता है कोई ट्राइमोल की तरफ से खड़ा होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की तरफ से नहीं खड़े होते जो क्या होते हैं इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं उनका अलग चुनाव चिन्ह होता है जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा ठीक है कैंडिडेट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव टू फिल द अप्लीकेशन विच इंक्लूडिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ओन सेल्फ सो बोल रहा है कि कोई भी कैंडिडेट हो चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से खड़ा हो या फिर इंडिपेंडेंट खड़ा हो उसे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म फिल करना पड़ता है इलेक्शन में स्टैंड होने से पहले द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइजेज ऑल द एप्लीकेशंस एंड अलाउ द इलिजिबिलिटी कैंडिडेट टू कंटेस्ट द इलेक्शन सो इलेक्शन कमीशन क्या करता है सभी कैंडिडेट्स की स्क्रूटिनी scrutini स्क्रूटिनाइस करता है स्क्रूटिनाइस का मतलब क्या होता है छानबीन करता है कि और बाद में बताता है कि कौन खड़ा हो पाएगा इलेक्शन में और कौन नहीं खड़ा हो पाएगा ओके नाउ नेक्स्ट ग्यू रिकॉर्गनाइजेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम इन अवर कंट्री न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म स्प्लीट यहां पर देखो आपका एक स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पर आएगा एस पी एल आई टी मीन्स होता है विभाजित करना अलग अलग करना सो so, यहाँ पर एस पी आई एल टी है एस पी एल आई टी होगा स्पेलिंग सो so, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है इन अ पार्टी रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टीज तो क्या बोल रहा है कि हमारे भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी का सिस्टम है सो so, हमारे भारत देश में जो है पार्टी को किस तरह से डिवाइड करना है ये भी कौन डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्गनाइज बाय द इलेक्शन कमीशन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है कहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिया के पास इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज़ अ राइट टू डिकॉर्गनाइज एंड एनी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास इतना राइस है कि वो आज बीजेपी पार्टी को भी क्या कर सकती है हटा सकती है पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है डी रिकॉर्गनाइज का मतलब क्या होता है मान्यता रद्द कर देना द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलाटेड इलेक्शन सिम्बॉल टू द पोलिटिकल पार्टीज सो जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ है उसको सिम्बॉल देने का काम भी किसका होता है इलेक्शन कमीशन का होता है जैसे आज बीजेपी है तो उसका सिम्बॉल जो है कमल लोटस फ्लावर है उसी तरह से जो कांग्रेस है उसका हाथ का पंजा है सो so, ये सारा कौन प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करती है प्रोवाइड करती है नेक्स्ट टू रिस द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन द इलेक्शन कमीशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्विंग एनी डिस्प्यूट दैट मे अराइज रिकॉर्डिंग इलेक्शंस सो बोल रहा है कि इलेक्शंस को लेकर जो भी डिस्प्यूट होते हैं जो भी समस्याएं क्रिएट होती है उसको भी सॉल्व करने का काम किसका होता है इलेक्शन कमीशन का ही होता है अकॉर्डिंग टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट एज डिसक्वालीफाइड और कंडक्ट री इलेक्शन इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन सो बोल कह रहा है कि अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कोई कैंडिडेट तो उसको क्या करना है डिसक्वालीफाई करने का काम भी किसका होता है इलेक्शन कमीशन का होता है और कभी कभी इलेक्शन कमी इलेक्शन सब कुछ हो गया और पता चल जाता है कि भाई इस इलेक्शन में कुछ गलत हुआ है सो री इलेक्शन कराने का काम भी किसका होता है इलेक्शन कमीशन का ही होता है अब यहाँ पर एक वर्ड है देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी सो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है जैसे कि सपोज़ करो कि उत्तर प्रदेश है उसमें टोटल 80 सीट्स है 80 सीट्स है मतलब 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो डिसाइड होती है पॉपुलेशन को लेकर ठीक है सपोज़ करो यहाँ महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो 17 करोड़ है so, सो अब यहाँ पर उस पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होगी कि महाराष्ट्र में कितनी सीट्स देनी है ओके सो so, जितनी सीट्स होती है वही कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है सपोज़ करो कि किसी किसी एरिया में दो सीट होती है किसी किसी में पाँच सीट होती है सो so, वो डिसाइड होता है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर सीट्स होगी ओके वॉट विल यू डू वोटिंग इज आवर ड्यूटी एज वेल एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सो बोल रहा है कि आप क्या मानते हो आप क्या करेंगे uh, अगर आपको ये बोला जाए कि जो वोटिंग है वो आपकी ड्यूटी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो so यस yes, अगर वोटिंग हमारी ड्यूटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम उसे अच्छी तरह से निभाएंगे हम वोट करेंगे ओके नेक्स्ट सो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये क्या बोलती है लड़की गवर्नमेंट हैज़ टू ऑब्जर्व द कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर बाय द इलेक्शन कमीशन सो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है कोड ऑफ़ कंडक्ट का क्या करती है पालन करती है ऑब्जर्वेशन करती है और वो किसके द्वारा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है ऐसा इस लड़की ने बोला सो so, अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि कोड ऑफ़ कंडक्ट क्या होता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे कोड ऑफ़ कंडक्ट क्या होता है जो नियम और कानून होते हैं इलेक्शन को लेकर वही कोड ऑफ़ कंडक्ट होता है और वो बनाता कौन है इलेक्शन कमीशन बनाता है और उसको फॉलो किसको किसको करना पड़ता है गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है उसे फॉलो करना पड़ता है नेक्स्ट अब ये लड़का पूछ रहा है हु इज़ सुपीरियर द गवर्नमेंट और द इलेक्शन कमीशन सो बोल रहा है कि कौन सुपीरियर है गवर्नमेंट सुपीरियर है या इलेक्शन कमीशन सुपीरियर है सुपीरियर मतलब बड़ा श्रेष्ठ ओके सो जब तक गवर्नमेंट है जब तक गवर्नमेंट के हाथ में पावर है सपोज़ करो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका टेन्यू फाइव ईयर का है तो जब तक उनका फाइव ईयर का टेन्यू ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो पावरफुल है और उनका टेन्यू ख़त्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन पावरफुल है सो so एक तरह से देखा जाए तो जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमिश्नर कमीशन पावरफुल होता है और जब इलेक्शन कम्प्लीट हो जाता है सब कुछ डिक्लियर हो जाता है प्राइम मिनिस्टर या फिर जो जिस भी सीट के लिए इलेक्शन हो रहा था चुनाव हो रहा था अगर वो कम्प्लीट हो जाता है सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन पावरफुल नहीं होता फिर वो गवर्नमेंट पावरफुल होती है नेक्स्ट विच टू कंडीशन अमंग फॉलो इन द वायलेशन ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट सो बोल रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कौन से दो की वजह से होता है सो so, सबसे पहले देखिए द कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट आइटम ऑफ हाउस होल्ड यूज़ तो देखो इसकी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट का वाइलेसन होता है क्योंकि वोट देने के लिए कभी भी किसी को किसी चीज़ का किसी पैसे का ये सारी चीज़ों का लेन देन नहीं करना है तो एक तरह से ये कोड ऑफ़ कंडक्ट में का वायलेंस हो रहा है फर्स्ट वाला सेकेंड प्रोमिस मेड टू रिसोल्व द वॉटर प्रॉब्लम इफ़ इलेक्टेड सो देखो ये सही है इससे कोड ऑफ कंडक्ट का वाइलेसन नहीं हो रहा है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं जीत जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा आप कि यहाँ पर जो पानी की समस्या है उसे मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये एक तरह से वादा किया जा रहा है प्रॉमिस किया जा रहा है तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होता है तो फर्स्ट वाला होता है सेकेंड वाला नहीं करता है थर्ड टू गो फ्राम डोर टू डोर टू मीट वोटर्स एंड रिक्वेस्ट देम टू वोट सो इससे भी कोड ऑफ़ कंडक्ट का वॉयलेसन नहीं होता है कि भाई डोर टू डोर जाकर बोल रहे हैं कि भाई हमें वोट देना हम आपकी ये समस्या सॉल्व कर देंगे वो कर देंगे ठीक है उसके बाद टू अपील ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रीजन टू गिव सपोर्ट सो देखिए अब ये इसकी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेसन होता है कि भाई तो मुझे वोट देना मैं तुम्हारी जाति को ये कर दूंगा मैं भी तुम्हारी जात का हूँ इस तरह से ये सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में आती है मतलब किसी को लालच देकर किसी को कुछ चीजें देकर वोट लेना एक तरह से वोट खरीदना जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट का वाइलेसन करता है विच ऑफ दिस रूल वुड यू इंक्लूड इन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वोटर सो देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट का वाइलेसन करता है सेकेंड और थर्ड कोड ऑफ कंडक्ट का वाइलेसन नहीं करता है नेक्स्ट रिमेंबर दिस लुक दिस पर्सन सा श्याम सरन नेगी फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया सो देखिए जब इलेक्शन हुआ था नाइन्टीन फिफ्टी में सो so, ये हिमाचल प्रदेश के श्याम सरन नेगी हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था वोट दिया था ही एक्सरसाइज हीज़ राइट टू वोट ऑन ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी वन इन लोकसभा इलेक्शन लोकसभा मीन्स जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था सॉरी प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर का जब इलेक्शन हुआ था क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन से ही प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है तो जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था ट्वेंटी अक्टूबर 1951 को सो लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था उसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया था वोट किया था श्याम शरण नेगी सो so, यहाँ पे हमारा चैप्टर सेकेंड पॉलिटिकल साइंस का जिसका नाम था द इलेक्ट्रोट प्रोसेस पार्ट वन वो कंप्लीट होता है आगे का जो फोर्थ आगे का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इसे हम लोग पार्ट टू में देखेंगे सो so, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग